नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से घाटी से लगातार जेके न्यूज ब्रेक आपको हर गतिविधि बताने में जो है हर वक्त तैयार, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो आज डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के ब्राजीलों में एक भाजपा के लीडर को आतंकियों ने बनाया गोली का निशाना, जावेद अहमद डार जो कि एक एक्टिव वर्कर थे भाजपा के। तो कहीं ना कहीं ये बात संशय में पड़ जाती है कि घाटी में जिस तरह से भाजपा उभर कर सामने आ रही थी, वर्कर दिन ब दिन प्रगति की ओर, जी हाँ अगर बात करें तो लगातार जो है भाजपा के साथ जुड़ रहे थे और घाटी में बड़ी बड़ी रैलियां भाजपा की हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में आपने देखा होगा जेके न्यूज ब्रेक ने आपको बताया था एक सरपंच और उसकी पत्नी को मारना, और खासकर अगर बात की जाए तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मंडल युवा मंडल के प्रधान जसवीर गर्ग में ग्रेनेड हमला और एक बच्चे की जान जाना, और आज जिस तरह से कुलगाम ब्राजीलों में आपने देखा किस तरह से जावेद अहमद डार को जो है गोली का निशाना बनाया गया। अगर बात की जाए तो सेंटर से सरकार भाजपा की है तो क्यों नहीं अपने वर्करों में जो है इस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती। घाटी में एक बड़ी बात कि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं हर व्यक्ति, और अगर उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं मिली तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वो ज्वाइन कर रहे थे उनकी गति में कमी आ सकती है, लेकिन भाजपा सरकार इस पर कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीर से बशीर अहमद जो कि जेके न्यूज के संवाददाता हैं, वो ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे किस तरह से आतंकियों ने हमला किया, और खासकर दोबारा हम जेके न्यूज ब्रेक आप सबसे जो है ये रिपोर्ट दिखाने में अभी आपके सामने लाने में पूरी तरह से सक्षम, और खासकर अगर बात की जाए तो सेंटर क्यों नहीं दे रही नज़र घाटी में अपने वर्करों को स्कूटी का पुख्ता इंतजाम देने में क्यों नहीं। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो कुलगाम ब्राजीलों की बात की जाए तो जावेद अहमद डार को आज आतंकियों ने अपने गन का निशाना बनाया। ग्राउंड रिपोर्ट बशीर अहमद के साथ। बशीर जी बताइए, इसके बात करें तो इसमें सूरत हाल इस समय क्या है? जी राकेश जी, मैं अपने माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को नमस्कार कहता हूँ, और साथ साथ ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ क्योंकि ब्राजलू कुलगाम जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक भाजपा के एक नेता, ये भाजपा के एक कार्यकर्ता को अननोन आइडेंटिफाई मिलिटेंट ने गोली मारकर मौके पर ही हलाक कर दिया है। वो कहीं जा रहा था लेकिन उसी असना में उन मिलिटेंटों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जो वहीं पर गिरकर हलाक हुआ है। बशीर जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से आतंकी लगातार भाजपा के लीडरों को और वर्करों को टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो घाटी में लगातार भाजपा के वर्करों को और लीडरों को मारना, उन आतंकियों की मंशा क्या है? बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको ये बताता चलूं क्योंकि अगर जिस तरीके से भाजपा के लोगों पर यकायक हमले हो रहे हैं, इससे पहले सरपंच और उसकी बीबी को साउथ कश्मीर में ही हलाक कर दिया गया, आज जावेद अहमद डार को जो घर से बाहर कहीं जा रहा था उस पर अननोन आइडेंटिफाई मिलिटेंट ने हमला किया है। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात है, ये जानने वाली बात है, ये सवाल निशान भाजपा पर है क्योंकि सिर्फ भाजपा पर हमले क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर पीडीपी, नेशनल कांग्रेस, पीसी जो भी पार्टी है उन पर हमले नहीं हो रहे, सिर्फ भाजपा के अधिकारियों को, वर्करों को निशाना बनाया जा रहा है। बशीर जी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से घाटी में, अगर बात करें कश्मीर घाटी में लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं का भरना, और अगर बात की जाए तो जिस तरह से वर्कर भाजपा का उभर कर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंटों की यही मंशा है कि उनको ये उभरने की जो बात है उसको रोका जाए। बिल्कुल राकेश जी, मैं आपको ये बताता चलूं क्योंकि इस वक्त के जो हालात कश्मीर में बने हुए हैं कुछ भी मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाकी सिर्फ भाजपा के जो कर्मचारी है या अधिकारी है या कोई लीडर है वो उभर कर सामने आ रहे हैं भाजपा के हित में, लेकिन उन्हीं को मारा जा रहा है, उन्हीं चाहे सरपंच हो चाहे पांच हो उनको ही मारा जा रहा है। और अगर देखा जाए, मुझे ये मैं अपनी जाति मामला आपसे शेयर करूं क्योंकि सिक्योरिटी की बहुत कमी है भाजपा के अधिकारियों को। बशीर जी, आपका कहना बिल्कुल सत्य, अगर बात की जाए तो सेंटर में सरकार भाजपा की, और खासकर अगर घाटी की बात करें तो जिस तरह से लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सेंटर सरकार को उनको
जो है स्कूटी मुहैया करवाने में डील क्यों, वही डील देके जी वही हम बताना चाहते हैं और शेयर करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि अगर कोई वर्कर बनाने में टाइम लगता है, सोचने वाली बात है, चाहे किसी भी पार्टी के लिए कोई वर्कर बनाने के लिए टाइम दरकार होता है, किसी के पास जाना होता है, वही बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि हालात जिस तरीके से मिलिटेंट जिस तरीके से इन कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं, ये एक गौर फिक्र करने वाली बात सेंट्रल हुकूमत को और बीजेपी सरकार को। अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमला हुआ और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल तो ले जाया गया होगा। बिल्कुल राकेश जी, हम आपको रियल न्यूज बताते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस पर हमला किया गया है, लेकिन वो वहीं पर हलाक हुआ है और उसे फिलहाल बाकी लवाजमत पूरा करने के लिए अस्पताल लिया गया है, लेकिन वहां पर भी डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया है। फिलहाल अभी पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्स ने कार्डना कर दिया है और फिलहाल एग्जिट और एंटर पॉइंट को भी सील कर दिया गया है। शुक्रिया अभिषेक जी। अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार घाटी से हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए, और खासकर अगर बात करें तो बड़े संशय वाली बात, भाजपा के वर्करों और लीडरों पर लगातार आतंकी हमले क्यों।